हाय दोस्तों, आज बताऊंगा न्यू BSS मॉडल महिंद्रा थॉर रॉक्स AS3L जो डीजल में है और इसकी AC सीरीज सब आल्टियो सब मिलाकर हर शहर का अलग रहता है। और न्यू दिल्ली का प्राइस जो है लगभग इसका 20,23,105 पर रखा गया है। दोस्तों आप उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं। बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। दोस्तों सामने पर बात करें तो महिंद्रा की लोगो, बेजिंग और साइज की बात करें तो काफ़ी शानदार फीचर के साथ भारत में लॉन्च हो गई है। और ये है 2184 cc की और पेट्रोल आती है 1997 cc की और इसमें डीजल जो है ये काफ़ी शानदार फीचर के साथ थार महिंद्रा थार रॉक्स की AS3L जो है डीजल में है और ये है 2184 cc की। और मैक्सिमम की बात करें तो पावर की ये 150 bhp से लेकर 3750 rpm और अधिकतम तात इसमें 330 nm और 1500 से लेकर 3000 rpm मिल जाते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 मिल जाएगी, वर्ल्ड प्रति सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाएगी, टर्बो चार्जर मिल जाएगी, देखने काफ़ी शानदार। इसमें फ्यूल कैपेसिटी आप 57 लीटर डीजल आप इसमें कैरी कर सकते हैं, मतलब भरवा सकते हैं। और थार रॉक की बेजिंग और काफ़ी शानदार फीचर के साथ ये सामने आई है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 4428 mm मिल जाती है, चौड़ाई इसमें 1870 mm और ऊंचाई इसकी है 1923 mm और लाइट भी काफ़ी शानदार LED में रिंग टाइप में देखने को मिल जाते हैं। और महिंद्रा की बेजिंग और गिल काफ़ी शानदार लुक के साथ सामने आई है और 360 कैमरा देखने को मिलेगा। और काफ़ी ये 5 door में भारत में लॉन्च हो गई है और अभी तक 3 door में आती थी, मतलब 3 दरवाजे में, और अब 5 दरवाजे में देखने को मिलेंगे और 18 inch के अलावा मिलेंगे जो अभी तक शायद लगभग 16 inch के देखने को मिल रहे थे। और 65/255 के टायर साइज मिल जाएगी, ट्यूबलेस टायर और काफ़ी शानदार फीचर के साथ। अंदर साइज बात करें तो महिंद्रा का लोगो और हॉर्न के लिए, वाइपर के लिए, वॉशर के लिए पूरे कंट्रोल सीट मिल जाएंगे। और रिंग टाइम में ये AC इवेंट मिल जाता है म्यूजिक के लिए अप डाउन करने के लिए, और AC आप स्लो और तेज कर सकते हैं। और टच में स्क्रीन मिल जाएगी जो देखने में काफ़ी शानदार लुक सामने आ रहा है। और काफ़ी बदलाव किए गए हैं, वायरलेस चार्जर, USB इनपुट और लैपटॉप चार्ज करने के लिए भी आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी अच्छे फीचर के साथ ये भारत में लॉन्च हो गई है ये 360 कैमरा, जो आप कैमरा देखने को मिलेगा सामने भी और इधर साइड भी। और ये ड्राइवर सीट के पास ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग मिल जाएगा जो, और ये ड्राइवर सीट के दौर में पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाएंगे। अभी तक ये कंट्रोल स्विच इंजन स्टार्ट बटन मिल जाएगी और जो अभी स्विच आ रहे थे बीचों बीच आ रहे थे, और ये टच मशीन जो 10 inch की देखने को मिल जाएगी। और ये चाबी मिल जाती है और चार्जिंग पोर्ट फ्रंट और रियर दोनों, आगे पीछे दोनों साइड मिल जाएगी। इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं जो काफ़ी अच्छा दे दिया गया है। और यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छा है। और पावर विंडो फ्रंट और रियर दोनों साइड मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर के साथ भारत में लॉन्च हो गई है। और ये ऊपर सनरूफ, मूनरूफ जो काफ़ी इसमें इस मॉडल में नहीं मिल पाता है सनरूफ, और आगे वाले मॉडलों में सनरूफ, मूनरूफ मिल जाएंगे। और रेडियो ब्लूटूथ सिस्टम मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा। और पीछे साइड बात करें तो महिंद्रा की बेजिंग, महिंद्रा का लोगो, एक वाइपर मिल जाएगा ग्लास डाउन करने के लिए, माफ़ करिएगा, वाशर मिल जाएगा और वाइपर। और ये देखने काफ़ी शानदार है। और ऑटोमेटिक की बेजिंग और रॉक्स की बेजिंग AS3L की बेजिंग जो काफ़ी है देखने में है। और 18 inch के अलावा मिल जाएंगे जो काफ़ी ब्रेक सिस्टम मिल जाए, ड्राइवर एयरबैग 6 मिल जाएंगे जो थार रॉक की बेजिंग
और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।